Hi guys, welcome back to Class of Planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about MEG 03 preparation. That is British knowledge. British knowledge की preparation कैसे करनी है, किन concept को follow करेंगे, कौन कौन सी चीजें हमें on tip चाहिए. तो इस class को थोड़ा detail में समझने के लिए please guys have your pen and notebook along with you so that you can write down what is the basic requirement for this particular class. Normally question mark आता है, sir how to crack maximum marks in this particular paper as we find it easy as compared to other papers. सर हम बाकी पेपर से सीरियसली बहुत इजी लगता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसको कर सकते हैं क्योंकि देयर आर सर्टेन स्टोरी लाइंस. अब उन स्टोरी लाइंस को पढ़ने के बाद हम इसका आंसर दे सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है, वो कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, तो पहले क्लियर कर लेते हैं क्या हमें इसके लिए पूरा साल पढ़ने की जरूरत है. दिमाग में पूछा आता था वी नीड टू स्टडी द एंटायर ईयर फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर. अगर चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन स्टडी, बट हाँ आप एक शॉर्ट ब्रीफ टाइम में भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं इसमें. कैसे? द फर्स्ट थिंग, देयर इज नो नीड टू गो फॉर ईच एंड एवरी नॉवल. सारे के सारे नॉवल नहीं पढ़ने हैं आपने, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करो. जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने ईजिली आप पढ़ पाएंगे. तो यहाँ बात आ गई कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने, तो बात करते हैं पहले नॉवल्स की. फर्स्ट यू गाइस नीड टू सिलेक्ट योर फेवरेट सेक्स. फेवरेट सिक्स, मैंने फाइव लेके मैंने सेवन लेके मैंने कहा फेवरेट सिक्स, ये सिक्स आर मोर देन अ. पहले चेंज द फर्स्ट सिक्स जो मेरे दिमाग में आते हैं. अब मैं उन छह को कैसे करूंगा, करने का तरीका क्या होगा, ये सब मैं बताऊंगा. देन व्हाट आर द क्वेश्चन, सर कुछ क्वेश्चन भी हैं जो हमें ऑन टिप होंगे, मतलब क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर कर लोगे, कैसे लिख लोगे आंसर, ये भी बताऊंगा. लेकिन पहले क्लियर करते हैं कि कौन से छह हैं जो हमें ऑन टिप करने, द वेरी फर्स्ट सिक्स. तो यहाँ बात करते हैं ब्रिटिश नॉवल की. That is MEG 03. अब बात आ गई MEG 03. The very first thing जो दिमाग में आती है, that is about the British novel Tom Jones. None other than Tom Jones. आपने कहा Tom Jones को कैसे करना, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, किन चीजों को क्लियर करेंगे. तो यहाँ आ गया सबसे पहले Tom Jones. This is my favorite one. अगर आप बोलते हो सर favorite है पूरी तरह से. And there's no doubt that every university do consist this novel in their course. आप बोलते हो Tom Jones sir paper के point से 100% पहला question यहीं से आता है. और जब बात करते हैं paper के preparation, तो sir यहाँ पे character बहुत dominant है, Tom Jones, Elworthy. Cannot ignore that particular character. अगर मैं बोलूँ sir Tom से ही better character Mr. Elworthy, जिसको हमें clear करना है, then we have a certain other characters, Master Bilfil and all that. बट सीरियसली अगर बात करूं तो क्वेश्चन आना है टॉम जोन्स रिलेटेड एग्जाम, वो टॉम जोन्स के कैरेक्टर बाइज होगा, आपको वो ऑन टिप होना चाहिए. तो फर्स्ट आ गया दिमाग में आपने कहा टॉम जोन्स को क्लियर करना है. अब टॉम जोन्स में क्या क्या पढ़ना है, किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्या सर खाली सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर में नॉवल से रिलेटेड, या कुछ घूम फिर हुए आप, तो उसके लिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं है. मैं आपको एक वीडियो दूंगा विद इन अ डे और टू, जिसके अंदर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मैक्सिमम 4 to 5, अगर आप वो कर लेंगे इंक्लूडिंग दीज नॉर्म्स, देन नो डाउट कि पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो. तो क्लियर करते हैं और जंप करते हैं सेकंड पॉइंट पे. टॉम जोन्स के बाद आता है माय फेवरेट. सर फेवरेट तो सारे ही हैं, तो आपने इट्स योर फेवरेट, मे बी योर फेवरेट, जिसका नाम पहले फर्स्ट इंप्रेशन था, बाय जेन ऑस्टन, नाम तो याद आ ही होगा. सीरियसली प्राइड एंड प्रेजुडिस, What does mean by the pride and prejudice? क्या है pride and prejudice? तो यहाँ पे question में आता है appropriation of pride, or relevance of pride, or the relevance of prejudice in Jane Austen, pride and prejudice. इसके question को पूरा clear करेंगे. क्या है answer, कैसे लिखते हैं, characters क्या हैं, क्या Bennett की बात कर रहे हैं या Bingley की बात कर रहे हैं या I'm talking about Darcy. No, I am really talking about the smartest villain in English literature. अब आपने कहा सर किसकी बात करें, यू नो द बेसिक मीनिंग. अब यहाँ पहले हमारे पास आ गया टॉम जोन्स. टॉम जोन्स के बाद बात करते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस. सो हियर आर टू, फर्स्ट टू, दोनों के दोनों आपको ऑन टिप होने चाहिए. क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर करना है, दोबारा बात करते हैं. हमने कहा दो चीजें दिमाग में, पहले हमने सबसे पहले बात की किसकी, टॉम जोन्स की, देन विल कम टू प्राइड एंड प्रेजुडिस. अब क्या क्या होता है सर, दोनों के अंदर आपको याद रखना है कैरेक्टर्स, द फर्स्ट थिंग जो आपको क्लियर होगी, स्टोरी लाइंस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, लॉन्ग विद दिस गाइस डोंट फॉरगेट द थीम्स.
यस थिंग्स यू कैन नॉट फॉरगेट दैट, वो रूल करने जरूरी है. एंड देन विल कम टू नेक्स्ट वन, माय थर्ड, जो पेपर के लिए करना ही करना है. Wuthering Heights, the third one. तो first three जो दिमाग में रहते हैं, और अगर बोलूं 100% एग्जाम में भी रहेंगे आपके. एग्जाम में इन तीनों से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है. तो आपने कहा वो तीन कौन से, हमारे टॉम जोन्स, प्राइडेबल्स एंड द वुथरिंग हाइट्स. अब वुथरिंग हाइट्स में थ्रेशोल्ड की बात करूं या वुथरिंग हाइट्स की बात करूं या फॉर्म्स की या मैं बोलूं हेल्थ क्लिप और एथलीट के बीच में जो रिलेशनशिप थी, हाउ इट ग्रो, उसके कॉन्सेप्ट क्या थे, किन चीजों को एड ऑन किया गया, कब थर्ड मैन की एंट्री हुई, क्या चेंजेस आए, वो सारी चीजें ऑन टिप होंगी. एंड द रिवेंज, और पेपर में जो क्वेश्चन आता है यहाँ से, वो आता है नरेटिव टेक्निक का. नरेटिव टेक्निक सर, थर्ड पर्सन नरेटिव टेक्निक यूज हुई है आपने, आपने अच्छे से क्लियर किया होगा, स्टोरी टेल बाय नैनी. अब वहाँ आपने क्लियर किया कैसे है, देन स्टोरी को पूरा क्लियर करते हैं. तो फर्स्ट थ्री जो दिमाग में आते हैं, टॉम जोन्स, प्राइड एंड प्रेजेंस, वुथरिंग हाइट्स. नाउ कम टू नेक्स्ट वन, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. हाउ कुड आई फॉरगेट दिस वन, फेरी टेल का क्वेश्चन बनता है गाइस, वो यहीं से बनता है. That is Great Expectations, one of the masterpiece in English literature, जिसको बिल्कुल भी avoid नहीं कर सकते, और हमें हर चीज को on tip करना होता है, word to word. तो यहाँ आ गए हम Great Expectations के ऊपर. Yes, that's the Great Expectations. तो यहाँ concept clear रहता है. कैरेक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं, थीम्स यहाँ काम करते हैं, इवन द माइनर कैरेक्टर जूल, द कैरेक्टर इज क्ला, सर उसको कैसे भूल सकते हैं सीरीज, द गर्ल फ्रॉम द बिगिनिंग हैव ग्रेट इंप्रेशन. तो यहाँ पे एक एक चीज को क्लियर करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, एंड देन गो टू द एंटायर स्टोरी, दैट्स अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन. एंड देन वी विल कम टू द स्टोरी लाइन, जो मैक्सिम बच्चे छोड़ देते हैं, यस आई एम टॉकिंग मिडिल मार्च. Guys, please don't leave this novel. Confirm कुछ होता है इसके एग्जाम में, confirm. ये आप लोगों आना ही चाहिए. तो क्या होगा इससे, मैं बताऊँ आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, किन चीज़ों को लेके चलना है. तो यहाँ आ गए हम मिडल मार्च के ऊपर. That is मिडल मार्च. तो ये हो गए फर्स्ट फाइव, एंड यू कैन गो थ्रू बाय द फर्स्ट टू लास्ट, दैट इज अ फाइव. ये पांच मिडल मार्च, मिडल मार्च में कैरेक्टर्स, उनकी रिलेशनशिप एंड थीम्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. एंड देन द लास्ट, दैट इज हार्ट ऑफ डार्कनेस. मालूम ओ कर्स अगेन कैरेक्टर, सब थीम्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में थोड़ा थीम आने वाली है. तो आपने कहा दैट इज Heart of Darkness. तो ये हो गए first six. तो जैसे मैंने last video में कहा था MEG2 की बात की थी, वहां मैंने आपको बताया था कौन से छह लेके चलने, तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कौन से छह prepare करने. Yes, you don't have much time. तो आपने कहा सर last our preparation है, कैसे करना है, करने का तरीका होगा. And sure shot, हम 70+ score करेंगे. तो क्या करना है, करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ. अब आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द मेजर पॉइंट जो हमें क्लियर होनी चाहिए, पहली चीज आपको स्टोरी लाइन को क्लियर करना है. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. वो जो बच्चे सोच करते हैं कि हिंदी में कहानी सुन लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यस क्लियर हो जाती है. आपको बेसिक मदर टंग आपकी हिंदी है तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं. लेकिन गाइस, यू नीड टू नो हाउ टू राइट द आंसर इन अ परफेक्ट मैनर. सो यू नीड टू नो द वे ऑफ राइटिंग. द वन हु हैज रियली अ ग्रेट कमांड, वन हु हैज अ ग्रेट कमांड ओवर राइटिंग स्किल्स, Definitely going to score more than 70. Definitely. तो यहाँ पहले स्टोरी लाइन क्लियर करके आपका इमीडिएट पॉइंट जो होगा वो होगा करेक्टर चार्ट, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो MEG2 में बोला था. तो फर्स्ट स्टोरी लाइन क्लियर किया, देन वी कम टू द करेक्टर चार्ट. इसके बाद हम आ जाएंगे थीम्स के ऊपर. थीम्स डोमिनेंट रोल प्ले कर दिया, वो हमें आनी चाहिए हर हाल में. तो फर्स्ट स्टोरी लाइन क्लियर होनी चाहिए, देन कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज करेक्टर चार्ट, देन कम टू थीम्स.
And then come to the fourth point. So that is really, really important. And we cannot leave this. वो फोर्थ पॉइंट क्या है, कैसे काम करना, उस पर कैसे लिखना है, लिखने का तरीका होगा, किन बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, वो यहाँ आता है. दैट इज कि हम आंसर की प्रेजेंटेशन कैसे करें. योर प्रेजेंटेशन, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, मैं किसी आंसर को प्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ, कैसे फॉलोअप करता हूँ, एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग इन माई आंसर. मेरे आंसर में वो सारी चीजें ऐड होनी चाहिए. अगर वो सारी चीजें जो टीचर ने मांगी है मेरे आंसर में है, then definitely I'm going to get the marks. And the last, not the least, is the note that you must have. Whether you prepare yourself or you have mine, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप खाली कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, कैसे क्लियर करें, क्या लिखने हैं, लिखने क्या तरीके हैं, ये सारी चीजें काम करेंगी. तो गाइज, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, नोट्स, थीम्स, characters, storyline. अगर ये सारी चीजें आपने ऑन टिप कर ली हैं, then there is nobody who can stop you to get least 70 plus in this particular paper. Till then, keep watching, like, share, and subscribe if you think it's worth to watch. क्योंकि next video जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे लिखेंगे answer in a better sense, वो British novel and drama, वो कल most probably आपको मिलेगी. तब तक देखते रहो गाइस, बाय.